दिया कि हमारे सभी दोस्त जैसा कि आप जानते हैं कि 22-23-24 को बिहार दिवस मनाया जा रहा है और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि ये एक अंतराल के बाद मनाया जा रहा है। जो लास्ट फुल फ्लेजेड बिहार दिवस हम लोगों ने मनाया था वो वर्ष 2018 में था, 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, 2020 में आपको स्मरण होगा कि 13 मार्च से ही राज्य आंशिक रूप से लॉकडाउन में चला गया था और विगत वर्ष में हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम ज्ञान भवन में कराया था बिहार दिवस को कमेमोरेट करने के लिए। तो इस वर्ष एक थोड़े से अंतराल के बाद हमसे मना रहे हैं लेकिन इस बात से भी हम वाकिफ हैं और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री शिक्षा का निर्देश मिला है कि इसे एक पॉम अर्श होकर पहले जैसा होता था उससे भी बेहतर बृहद रूप से हम इसे मनाएं और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पूरी की पूरी तैयारी हो रही है। आज बिहार विकास दिवस के दो दिन पहले ये जो कस्टमरी मीडिया के साथ संबोधन होता है माननीय मंत्री का और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं और मैं माननीय मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना जो उनका जो व्यू है इस बिहार दिवस के संदर्भ में वो आपके साथ साझा करें और मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो ये तो अपने मिट्टी का पहचान का जन्मोत्सव है इसलिए इसको इस रूप में आपके माध्यम से हम लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं कि इसका महत्व भी लोग समझें। बिहार के बारे में आकर उद्योग विभाग से लेके अनेक सरकार की नीतियां हैं जिससे सीधे बिहारवासी लाभान्वित हो सकते हैं वो सब का भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा, प्रदर्शन होगा, तो वो सब भी सबके लिए ज़रूरी है और सब तरह से हम लोग इसको एक उपयोगी आयोजन बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपके माध्यम से लोगों तक हम लोग इस आयोजन की रूपरेखा, आम लोगों के लिए आमंत्रण, ये सब चीज़ें हम आपके माध्यम से लोगों के बीच डालना चाह रहे हैं और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग खुद भी रहिएगा, छोड़ो से अंत तक सारी चीज़ देखिएगा तो आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसा कार्यक्रम है नहीं जो है सो सब अच्छा ही लगने वाला है। इसलिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि इन सारी चीज़ों को आप आम लोगों तक पहुंचा देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।